सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो भाई अपना न्यू बेस। कि पिछले एपिसोड में भाई मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई यहाँ पे अपन बनाते हैं, तो यहाँ पे फाइनली मैंने बेस दिखा दिया। और भाई इधर स्टोरेज का सामान है, इधर क्या कहते हैं प्रिजर्विंग बिन, और बस इतना ही कुछ। और इधर सीढ़ी लगा दी अच्छा खासा। और ऊपर जाके देखोगे तो भाई एक आपको दिखेगा दो खिड़की और इधर बिस्तर, ताकि जब दिन होए तो भाई रोशनी मेरे आँख पे पड़े और मुझे पता चल जाए कि भाई दिन हो चुका है। और यहाँ पे एक और सीढ़ी जैसा बना लिया है मैंने, तो इसके ऊपर चढ़ के बताता हूँ सबसे पहले आपको। रुको, ये का भाई क्या भाई, इसमें एक तो भाई पता नहीं चढ़ नहीं पाता इसमें। ओके, चढ़ गया फाइनली। तो यहाँ से भाई नज़ारा देखो भाई, मज़ा आ गया भाई इधर बेस बना कर। फाइनली अपना एक बेस बन चुका है, इसको परमानेंट बेस तो नहीं रखेंगे और भी ट्राई करेंगे बनाने का। तो गाइस अब मेरे को बारी है भाई डायनो को लाने का, और बाकी चीज़ मैं लाते लाते बताऊँगा। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके भाई अपने डायनोज को तो ले आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सभी डायनोज भाई, बड़ा मेहनत लगा भाई इसको ले जाने मैंने, बहुत दूर का रास्ता था भाई। जैसे तैसे लाया मैं इस पाइनो को, तो भाई फॉलो करवा के लाना पड़ा भाई, क्या करें। सार को सब देखो, मैं सबसे तेज़ बोलूँ ना तो सार को था सबसे तेज़, क्योंकि भाई इसका एक तो पानी से मैं ला रहा था तो बहुत स्पीड भाग रहा था, क्योंकि पानी वाला जानवर है ये। और तो गाइस हाँ, तो ये मैंने नहीं दिखाया बेस बिल्डिंग, क्योंकि भाई इसमें बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। वुड लाओ, क्राफ्ट करो, फिर जो ये ट्रैक तो अपन पहले ट्रिम कर दिए थे, ट्रैक से जाओ वुड लाओ, फिर क्राफ्ट करो, फिर लगाओ, फिर और वुड खराब हो, क्या कहते हैं कमी हो जा रहा था वुड वगैरह का, फिर लाओ फिर क्राफ्ट करो, बहुत दिमाग ख़राब भाई। मैं सोचा कि भाई पहले अपन बना ही लेते हैं फिर ही दिखाते हैं, क्योंकि दिखाने लायक उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस इधर उधर जाओ क्राफ्टिंग करो, फिर वुड लेने जाओ, फिर क्राफ्टिंग करो, इतना ही था। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ क्राफ्ट किया नहीं। और यहाँ पे ना भाई नार्को बेरीज वगैरह और ट्राइक से तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, नार्को बेरीज वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। और प्रिजर्विंग बिन भी बना लिया भाई, इसमें भी बहुत मीन्स क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मदद मिल रहा है। बस ऑयल वगैरह लाने के बाद यहाँ पे जर्की वगैरह जो रहते हैं ना, मीट जर्की और ये भी जो जर्की है प्राइम मीट जर्की, दोनों बन जाएगा तो भी बहुत मज़ा आएगा, ट्रिमिंग और फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे जो घास फूस पेड़ पौधा है मीन्स इसको मेरे को क्लियर करना है, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है भाई। इधर ही मैं कुछ और भी मीन्स वॉल वगैरह लगा के अच्छा एक कुछ बनाऊंगा सोच रहा हूँ मैं। तो यार लेकिन इसको मैंने एक बार क्लियर किया था, लेकिन ये फिर से उग गया, फिर से क्लियर कर देता हूँ मीन्स आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये वापस उग जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों। तो मेरे को देखो एक, या फिर देखना पड़ेगा कुछ आर्क की सेटिंग में कुछ अगर कुछ मिल जाए तो उसको मैं कम ज़्यादा करके, जैसे कि इसका क्रॉप ना हो गया ऐसा कुछ कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक बार किया लेकिन हुआ नहीं, फिर भी मेरे को और देखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैक बहुत हेल्प करता है भाई सही में, घास फूस से खाली करने में, और अपन को नार्को बेरीज और जो भी बेरीज वगैरह रहता है बहुत अच्छा देता है। वुड मैं नहीं बोलूँगा, वुड उतना अच्छा नहीं देता है, बस ये थैच अच्छा थैच ज़्यादा देता है, वुड कम देता है। तो यहाँ पे भाई अपना वेट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि मैं ट्रैक से नार्कोटिक्स लेके आ गया हूँ कुछ नार्को बेरीज, तो इसे जितने भी नार्को बेरीज सब इसमें डाल देते हैं। और ये जो मीट है भाई इसको मैंने सब स्प्लिट ऑल करके रख दिया है, जिससे ये जल्दी क्या कहते हैं स्पॉइल होते हैं और अपना मदद करते हैं भाई नार्कोटिक्स बनाने में जितने। और भाई ये स्पॉइल मीट भी दे देता हूँ मैं। तो इधर कितना बन रहा है भाई नार्कोटिक देख लेता हूँ कि जितना 100 भाई जितना बन रहा है उतना बनाते हैं, कि बहुत चाहिए अपन को, क्योंकि मेरा भाई अभी है कि रैक्स वगैरह टेम करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। गीगा देखो, गीगा का मेरे को पता नहीं कहाँ मिलता है, मेरे को देखना पड़ेगा। बाकी मेरे को और भी चीज़ डायनो वगैरह चाहिए, और जिससे मज़ा आए भाई, मैं चला के बोल रहा हूँ भाई, राइड करके गीगा ही गया, फिर और कोई सा रैप्टर भी। आज मैं रैप्टर टेम नहीं किया, स्पाइनो टेम कर लिया और थेरिजिनोसॉरस टेम कर लिया, सार्को टेम कर लिया, लेकिन भाई रैप्टर ही अपन टेम नहीं कर पाए। अभी रैप्टर भी करेंगे टेम, जल्दी ही करेंगे मीन्स बोल रहा हूँ, तो जल्दी ही करेंगे। और भाई यहाँ मेरे को मेटल फार्मिंग के लिए जाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत क्रिस्टल भी लेंगे, क्योंकि भाई मेरे को ये हाइट का पहन पहन के भाई बहुत बोर हो गया हूँ। एक तो भाई ये दिखना भाई अच्छा नहीं दिख रहा है, हाइट का मज़ा नहीं आ गया, मज़ा चले गया भाई जितना देख के, और भी प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा है। और भाई क्योंकि मेटल चाहिए तो उससे फैल्क का जो भी बोलते हैं ना मेटल चेस्ट प्लेट जिसको भी बोल देते हैं वो बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आर्मर वगैरह बन जाएगा। और भाई लॉन्ग नेक राइफल भी अपन को बनाना है, क्योंकि वो ज़्यादा मदद करता है टीमिंग में, और ट्रैंकुलाइजर डार्ट वगैरह। इधर रात हो गई, रात में शाम को भी, शाम बोलेंगे ना इसको, शाम को भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ओके फाइनली रात हो गया भाई, क्या खतरनाक भाई, रात भी बिल्कुल रात ही हो जाता है। तो भाई रात के लिए ये देख सकते हो, ये गामा मैंने बढ़ा दिया है तो बहुत मदद करेगा रात में ये। तो इस बार हम रात को भी हंटिंग वगैरह या फिर कुछ एक्सप्लोर वगैरह करने जा सकते हैं, क्योंकि रात में ये गामा बढ़ाने से बहुत बढ़िया होता है, और बाकी नॉर्मल भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जितने भी ये बैरिस में और हटा के देख लेता हूँ, उधर मैंने बहुत सारे तो
क्लियर कर ही दिए हैं और इधर भी और थोड़ा बहुत क्लियर कर ही लेता हूँ। भाई पैरोसॉर भाई तू क्या कर रहा है, तू भी मदद कर दे। चल छोड़ भाई, मेरे को ही करने दे, छोड़, तेरा वेट ही वैसे बढ़ जाएगा। हाँ भाई इसका वेट बहुत बढ़ जाता है, तो जितना भी इसका लेवल अप आ रहा है ना, जितना भी लेवल अप आ रहा है, इसको मैं वेट ही में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही उस वेट ही का है। बस मेरे को नार्को बेरीज का ज़रूरत है नार्कोटिक्स के लिए, बस मैं ये ट्राइक को टेम किया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नार्कोटिक देता है और बाकी सब ड्रॉप कर रहे हैं, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अपन को नार्कोटिक्स दो, बस नार्कोटिक्स बोल रहा हूँ, नार्को बेरी दो, जिससे हम बहुत सारे नार्कोटिक बना सकते हैं और उससे भाई मदद होगा मीन्स। तो यहाँ पे मैंने भाई देखो, मैं इन्वेंट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे 5 जो रिफाइनिंग फोर चाहिए मैं बना के रख चुका हूँ, तो भाई इनको प्लेस करना है। इस बार मैं बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ, पहले 1-2-3 ही बनाए थे पुराने बेस में, तो पुराने बेस को भाई मैं डिस्ट्रॉय करूँगा नहीं, उसको ऐसे ही रहने दूंगा कि कभी हम उधर चले जाएँ, मीन्स कभी कुछ टेम वगैरह करने या फिर कभी उस जगह चले जाएँ तो कुछ काम वगैरह आ सकता है। इसलिए भाई पूरे मैप में जगह जगह कम से कम जगह जगह वो बना के रखूँगा मैं वहाँ पर, तो जितने भी रख दूँगा इसमें सब में 200-200 या फिर 100-100 मेटल वगैरह रख के ये इसके इसे लाइट फायर कर दूंगा, जिससे मेटल वगैरह पकते जाएगा और भाई इधर मेरे को मेटल इनगोट वगैरह मिलते जाएगा, कोई फिर चिंता की बात ही नहीं है। फिर जो बनाना है बना लेंगे, फैब्रिकेटर भी बनाना है भाई, अपन को मेन चीज़ तो बना ही नहीं है भाई, फैब्रिकेटर ही तो मेन चीज़ है, फैब्रिकेटर बनाना, इंडस्ट्रियल ग्राइंड, बहुत चीज़ भाई करने को बहुत कुछ है भाई। लेकिन जब गेम खेलने स्टार्ट करता हूँ ना, जब लगता है कि कॉन्टेंट बनाना है, तब दिमाग ख़राब, दिमाग में घूम जाता है भाई कि आज क्या करें। अपन टेम भी कर सकते हैं, कुछ क्राफ्ट भी कर सकते हैं, बेस बिल्डिंग भी कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग भी कर सकते हैं, करें तो क्या, बोले तो बोले। इसीलिए भाई 10-10 मिनट का वीडियो आता है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि और क्या चीज़ कर सकते हैं। इस टाइप का करेंगे कि एक गोल रख देंगे भाई, इस बार तो रैक्स टेम करना ही है तो करना ही है, उसके लिए जो लग जाए लगेगा, ऐसे करके करेंगे तो अपना मीन्स वीडियो का लेंथ भी है और पता भी, एक गोल रहेगा कि भाई इस एपिसोड में तो पूरा अपन को रैक्स टेम करना ही है, इस टाइप का हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इधर तो अपने पुराने बेस से मैं स्मिथी ले आया हूँ, बस इसको देखना भाई अपन को कहाँ रखना है, कहाँ रखें भाई, कहाँ, यहाँ पे तो आएगा नहीं। एक काम करते हैं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिफाइनिंग फोर्ज के राइट साइड में ही रख लेते हैं इधर ही, क्योंकि अपन को इधर मेटल के मेटल ला के सीधे स्मिथी में डाल देंगे और यहाँ पर अपना स्टोरेज भी फुल हो जाएगा, तो इधर थोड़ा ही से दूर जाना इधर आ जाएगा, इधर ही रख लेते हैं, इधर बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत मीन्स यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा, मेटल को सीधे ला के इधर रखो और क्राफ्ट कर दो बस, ईजी। तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लेता हूँ भाई, अपन को लॉन्ग नेक राइफल के लिए ओके इतना सामान चाहिए, हाँ तो इसके लिए ये तो बना लूँगा, चलो लॉन्ग नेक राइफल के लिए मेरे पास वो है मेटल इनगोट, लेकिन इसके एमओ के लिए मेरे को और मेटल चाहिए, तो ये फार्म ये जो है इसमें डाल देता हूँ और ओके, तो ये तो मैं बना लूँगा, लेकिन भाई उससे पहले मेरे को और भी वो चाहिए, क्या कहते हैं, और मेटल चाहिए जिसके लिए मैं एमओ बना सकूँ और ट्रैंकुलाइजर डार्ट वगैरह ये सब बना सकूँ। और ये लेवल अप आया तो भाई इसके लेवल अप को मैं हेल्थ पे लगा देता हूँ, क्योंकि हेल्थ का बहुत काम होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई मैं अपने अर्जेंटिवस को लेके मैं इसी सार्को को मारने आया हूँ, जिससे मेरे को बहुत सारा हाइड मिल जाएगा और लॉन्ग नेक राइफल मेरा तैयार हो जाएगा फाइनली यहाँ पे। तो भाई सार्को तू मर जा, और ऊपर पेट्रोलम भाई, पेट्रोलम क्या कर भाई, गिर गया भाई, यही गलत चीज़ होता है पता है, पानी के पास जाओ तो भाई गिर जाओगे फिर यहाँ पे। चलो सार्को अपन पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये पेट्रोलम पे, दो पेट्रोलम बोल रहा हूँ, अपने अर्जेंटिवस पे ध्यान दे रहा है, तो ये मर जाएगा, चलो लाल बेसी हो गया, चलो मर गया है, तो इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसे मेरे को लगता है बहुत सारा मिल जाएगा हाइड, ओके मिल ही गया, तो 70, 90, 120, 150 हाइड काफ़ी, इधर से थोड़ा बहुत वुड ले लेता हूँ और भाई चलते हैं सीधे लॉन्ग नेक राइफल को बनाने। तो यहाँ पे मैंने सब सामान डाल लिया है, बस लॉन्ग नेक राइफल भी यहाँ पे अपना क्राफ्ट हो गया है, यहाँ पे मीन्स क्राफ्ट हो रहा है, तो मज़ा आ जाएगा भाई, अपना लॉन्ग नेक राइफल भी क्राफ्ट हो गया, बस इसके लिए मेरे को सिंपल राइफल एमओ चाहिए और कुछ डार्ट ट्रैंकुलाइजर डार्ट बना लेते हैं वो मिल जाएगा। तो सिंपल राइफल एमओ के लिए मेरे को क्या चाहिए, ओके गन पाउडर चाहिए और मेटल इनगोट, तो ये दोनों मिल जाएगा, बस गन पाउडर मेरे को बनाना पड़ेगा और मेटल इनगोट तो है जाकि, और क्योंकि मैं पार्ट से और मेटल ले आऊँगा तो उसका मेटल इनगोट बन जाएगा भाई, इसको पहले लगा के देखते हैं। क्रॉसबो हटाओ भाई, अब अपने पास लॉन्ग नेक नाइफर आ गया तो क्रॉसबो का करेंगे क्या, तो बाहर जाके थोड़ा देखते भाई, ओ भाई तो खतरनाक है भाई, मीन्स अब फील आ रहा है ना भाई, एमओ नहीं है, चलो एमओ अपन बना लेंगे, लेकिन फील बहुत खतरनाक आ रहा है भाई, रुको मैं आपको दिखाता हूँ भाई, लॉन्ग सही में लॉन्ग है रे, यहाँ से एफवीपी में उतना नहीं दिखता लॉन्ग है, लेकिन जब जो फोटो मोड जो कैमरा मोड कहते हैं ना, उससे बहुत खतरनाक दिखता है। तो यहाँ पे एमओ वगैरह बना लेते हैं भाई, उसके बाद मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ मेटल लेने आया हूँ, तो यहाँ पे मैं आया हूँ लावा माउंटेन, जो कि बहुत नियरेस्ट है मेरे बेस से, और भाई जब भी आता हूँ भाई यहाँ पे फील तो आता है भाई, ये लावा को देख के मीन्स क्या ही खतरनाक दिखता है रे लावा, यहाँ से बह रहा है और मीन्स सीधे वहाँ जाके जमा हो रहा है, बहुत खतरनाक दिखता है।
तो यहाँ पे लावा वगैरह ले लेता हूँ, क्रिस्टल भी यहाँ पे है और ऑब्सीडियन वगैरह है, लेकिन भाई अभी मेरे को मेटल चाहिए उतना, इसका क्या कहते हैं इन्वेंटोरी में जगह नहीं रहता इसका वेट में, तो मैं जितना भी रहता है इसका वेट में ही लगा देता हूँ, लेकिन एक स्टैमिना में लगाता हूँ, क्योंकि आते समय मेरे को पता पड़ा भाई कि तीन चार जगह रुकना पड़ा, इसलिए एक स्टैमिना में लगा देते। और यहाँ पर जितना मेटल है भाई जितना हो सके उतना मेटल लेके जाता हूँ मैं बेस पे। तो गाइस यहाँ पे आते आते मेरे को एक और चीज़ दिख गया, जो कि एक और झरना है, और ये झरना सबसे बड़ा झरना है यहाँ पे पूरे आर्क द आइलैंड में। तो यहाँ पे दो झरना रहता है सबसे, नहीं यार क्या सिस्टम है मेरे में दो, अच्छा वो दो झरना वो था वाला पिछले वाला, ये एक ही झरना है, लेकिन ये सबसे बड़ा झरना है, मीन्स मज़ा आ गया यहाँ पे। और भाई यहाँ का नज़ारा देखो, घास फूस वगैरह मस्त, पेड़ पौधे बहुत, इसका जो टनी में जो है ना को क्या कहते हैं रस्सी टाइप का, वो खतरनाक है, और इधर मस्त है यार नज़ारा, लेकिन इसमें ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो मैं गामा यूज़ करना पसंद करता हूँ इससे, क्योंकि यार ये अच्छा हो जाता है, ज़्यादा गामा आ जाता है तो यहाँ पे डार्कनेस चले जाता है यहाँ पे, और अच्छा पूरा विजिबिलिटी अपन को अच्छा दिख जाता है। तो यहाँ पे स्टेमिना के लिए थोड़ा रुका हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ गया भाई सामने ब्रोंटो की, कौन सा बड़ा जानवर है वो। तो इधर जितने भी मेटल मैं ले आया भाई, इन्वेंट्री आधा फुल हो चुका है, आधा से ज़्यादा फुल हो चुका है, बस थोड़ा मैंने खाली किया है, क्योंकि फुल इन्वेंट्री में भाई एक तो ये उड़ सकता नहीं है, और फुल से थोड़ा सा और कम करोगे तो ये उड़ जाएगा, लेकिन बहुत स्लो चलेगा। तो मीन्स अच्छा खासा इसका इन्वेंट्री खाली कर, मीन्स आधा से थोड़ा सा और ज़्यादा भरोगे तो ही अच्छा चल पाएगा। कहाँ फंस गया मैं, ओके निकल गए यहाँ पे। तो यार जंगल भी अपन किसी एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जंगल इसका आर्क किसी का बहुत मस्त है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो है मैं, अब देखो मेरा बेस इस साइड है जिसको नहीं पता हो, तो ऑलमोस्ट मैं अपने बेस तरफ पहुँच गया। हाँ तो यहाँ पे एक और झरना है भाई, यहाँ पे सही बोले थे, यहाँ पे एक और नीचे एक और झरना है यहाँ पे। तो गामा सबसे पहले मैं अपने एक बंद कर देता हूँ, इधर कोई रैप्टर वगैरह है। तो यार राइट क्लिक से कैसे उठाता था यार मैं, मेरा तो बिल्कुल नहीं उठा रहा, पता नहीं राइट क्लिक से ये अर्जेंटियोस उठाता है ना अपने पैरों पे, मेरा नहीं उठा पा रहा है। तो चलो कोई ना, इधर अपन बैठ जाते हैं अपने स्टेमिना रीगेन करके, इधर वही ट्राइक राइक घूम रहे हैं, ट्राइक से ज़्यादा खतरा है नहीं भाई, अपन को रैप्टर से भी नहीं है, जल्दी उठ जाएंगे। तो गाइस मैं अपने बेस में आ गया था, बाकी सब लगा लिया था मीन्स रख दिया था जहाँ अपने प्लेस में। तो यहाँ पे गन पाउडर और स्पार्कलिंग पाउडर और बना लिया मैं, बस यहाँ पे मेरे को एक सिंपल राइफल एमो बनाना है, एक नहीं जितना बन सकता है उतना बनाना है। ओके यहाँ पे क्राफ्ट ऑल कर देता हूँ मैं, जितना बन सकता है उतना बन भाई, ओके बन रहा है ये। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ अपन को ट्रैंकुलाइजर डार्ट बना के और कहीं रैक्स वैक्स टेम करने चलेंगे रेडवुड वगैरह पे। हाँ गाइस तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।